सो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया किस तरीके से आप यूटीआई पे से पैन कार्ड के एजेंट बन सकते हैं, किस तरीके से आप कूपन ले सकते हैं, कूपन क्या होता है, और अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, उसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं, यूटीआई पे से पैन कार्ड पोर्टल के एजेंट हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने होंगे। यानी कि अब जब आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपके पास फिजिकल फॉर्म जो आ जाता है, तो इसको कहाँ पे भेजना होगा, आपकी कौन सी लोकेशन पे आपको भेजना पड़ेगा और कब भेजना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का, और यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिया गया है सबमिट पैन एप्लीकेशन थ्रू यूटीआई आईटीएसएल वेबसाइट पोर्टल एंड मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन। नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पैन इंक्वायरी नंबर जो दिया गया है इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ पे चार एड्रेस दिए गए हैं, तो आपका कौन सा रीजन लगता है वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार रीजन हैं ऑल इंडिया में, मुंबई रीजन, कोलकाता रीजन, चेन्नई रीजन और न्यू दिल्ली रीजन। तो अब कई सारे लोगों के मन में रहता है कि हमको दिल्ली भेजना है, कोलकाता भेजना है, मुंबई भेजना है या चेन्नई भेजना है। तो आपको मैं सीधा सीधा क्लियर कर देता हूँ कि आप इन चारों पे कहीं पे भी भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उस रीजन के अंदर आने चाहिए। अब आप उस रीजन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपके सबसे नियर में जो भी रीजन पड़ता है, जो भी सिटी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या न्यू दिल्ली, जो भी सबसे नियर में है वही आपका रीजन होता है। उसमें से चारों में से आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे वो रिसीव होंगे और आपको कोई भी पेनल्टी, कोई भी दंड नहीं देना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कब भेजना है। तो हर महीने के एंड में आपने उस महीने में जितनी भी पैन कार्ड बनाए हैं उन सबके डॉक्यूमेंट्स को लिफाफे में डालो, और जिस भी पते पे भेजना है वो पता लिख के भारतीय पोस्ट यानी इंडिया पोस्ट से जाके पार्सल कर दो। क्या करना है? पार्सल। पार्सल करने में क्या होता है, पैसा कम लगता है। एक फॉर्म का करीब 4-5 रुपए लगता है, यानी एक साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भेजते हैं तो उतना ही कॉस्ट कम हो जाता है एक फॉर्म का, अगर आप ज़्यादा फॉर्म भेजते हैं तो और भी कम हो जाता है। तो वहाँ पे जाके आपको बताया जाता है कि आप स्पीड पोस्ट कर दें या कुछ भी कर दें, तो आपको बोलना है जाके भारतीय पोस्ट में कि आपको पार्सल करना है। पार्सल सबसे सस्ता होता है ऑल इंडिया के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली मैंने बता दिया, अगर एक महीने में ना हो तो 2 महीने में ज़रूर से ज़रूर डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दें। इससे क्या होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिजिकल फॉर्म चाहिए होता है, इसलिए यूटीआई और एनएसडीएल दोनों फॉर्म हमसे मांगते हैं दोनों कंपनियाँ, तो हमको वो भेजना ज़रूरी है। आप सीएससी से बना रहे हो, पीएससी से बना रहे हो, किसी प्राइवेट पोर्टल से बना रहे हो, कहीं से भी बना रहे हो, अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको भेजना ही पड़ेगा, यह मैंडेटरी होता है। आप खुद यूटीआई के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर कोई आपको पीएससी पोर्टल देखे ये कह रहा है या कोई भी पोर्टल देखे ये कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स मत भेजना काम हो जाएगा, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, वो रिस्क है आपके लिए। ओके, सीधा सीधा मैंने क्लियर कर दिया, अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं, एजेंट हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना ही पड़ेगा। एक महीने में नहीं भेज पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो 2 महीने में भेज दो, तब भी प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम 2 महीने कुछ दिन। ओके, इससे ज़्यादा दिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी कई सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो पिछले 2 साल से नहीं भेज रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जिस दिन भी प्रॉब्लम होगी, 2 साल के अंदर कम से कम आपने 500 एप्लीकेशन बना डाले होंगे, और एक जब पेनल्टी ठोकता ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी की नहीं सुनता है, 276 रुपये पर पैन कार्ड के हिसाब से आपकी जो है पेनल्टी लगेगी, तो 500 एप्लीकेशन का 1,38,000 रुपये। तो अब आपके हाथ में है, आप एक अच्छा खासा पेनल्टी देना चाहते हैं या फिर फॉर्म भेजना चाहते हैं। सो यही था आज के वीडियो में, वीडियो क्लियर हो गया होगा। आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इन चारों एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चारों एड्रेस जो भी आपका नियर बाई है वहाँ पे जाके, या फिर आप भारतीय पोस्ट से भेज सकते हैं। सो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, सारे जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।